सीतामढ़ी इन दिनों अवैध बालू के कारोबार और बड़े सिंडिकेट के रैकेट के तले फल फूल रहा है और इसमें शामिल है खनन विभाग के कई सारे अधिकारी पदाधिकारी और भी अलग से कई सारे लाइनर, बड़े लाइनर, छोटे लाइनर, और इन तमाम लोगों के मिलीभगत से होता है सरकार को देरी का लाखों रुपए का नुकसान। लगाया जाता है पदाधिकारियों द्वारा ही खनन विभाग मंत्रालय को बड़ा चूना, बड़ा धक्का, और फिर भी ये कारोबार एक सिंडिकेट की तरह, एक बड़े रैकेट की तरह, एक काले कारोबार की तरह सफेद पोश अधिकारियों के साये में फल और फूल रहा है। 6 चक्के गाड़ी पर 1 लाख, 8 चक्के गाड़ी पर 2 लाख और 10 चक्के गाड़ी पर 3 लाख, जबकि 14 चक्के गाड़ी पर 4 लाख और 16 चक्के के ट्रकों पर 5 लाख रुपए के मोटे भारी भरकम फाइन से अगर बचना है तो सीतामढ़ी जिला के खनन विभाग के पदाधिकारी के खास लाइनर ब्रजेश मिश्रा से मिले, 800 रुपया दीजिए और आपका ट्रक सीतामढ़ी जिला में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पूछताछ के और बिना किसी अरंगा के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी में घुस जाएगा। फिर उसके बाद ओवरलोड ट्रकें जिस किसी को भी बेचना है सीतामढ़ी जिला के 273 पंचायतों तक पहुंचा सकते हैं, इवन के नेपाल के बॉर्डर तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये 6 चक्के गाड़ी पर 1 लाख और फिर 8 चक्के गाड़ी पर 2 लाख और 10 चक्के गाड़ी पर 3 लाख का ये जो मोटा भारी भरकम फाइन है, ये फाइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि खनन विभाग का एक उसूल है, एक नियम है, जिसके अनुसार अगर 2 केजी भी सीमित वजन से आपका बालू या फिर खनन पदार्थ आपके ट्रक पर बढ़ जाता है और खनन विभाग का पदाधिकारी, कर्मचारी या इंस्पेक्टर आपकी गाड़ी को पकड़ता है तो इतने मोटे मुआवजे सरकार को देने पड़ेंगे फाइन के रकम में। और अगर इससे बचना है तो सीतामढ़ी जिला के खनन विभाग के तमाम मिलीजुली सरकार और इनके अंदर फलने फूलने वाले दर्जनों लाइनर, लाइनर के छोटे लाइनर, लाइनर के बड़े लाइनर, छोटे लाइनर माफिया, बड़े लाइनर माफिया, इवन के अगर आपको शिवहर जिला से भी बालू लाना है तो इन्हीं लाइनरों से मिलना होगा। और सीतामढ़ी जिला के खनन विभाग के पदाधिकारी एवं शिवहर जिला के खनन विभाग के पदाधिकारी को मेल में लाना होगा और इस तरीके से आप बिहार सरकार और खनन विभाग को लाखों करोड़ों का हर दिन उन्हें चूना लगा सकते हैं, उस बात का चूना, उस पैसे का चूना जो उन्हें इनकम के रूप में, जो उन्हें प्रॉफिट के रूप में, जो उन्हें टैक्स के रूप में या फिर जो उन्हें फाइन के रूप में आता है। अगर आप 800 रुपए लेकर के सीतामढ़ी में घुसने से पहले ही मुजफ्फरपुर के बाद सैदपुर के कोरलहिया में खनन विभाग के पदाधिकारी के खासम खास लाइनर ब्रजेश मिश्रा से आप व्हाट्सएप पर लाइनिंग कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। यूं तो अवैध बालू के कारोबार में सीतामढ़ी में खनन विभाग का डंका सचकर बोल रहा है। जैसे ही आप मुजफ्फरपुर से बालू लदा हुआ ओवर ट्रक लेकर सीतामढ़ी में इन करते हैं, सैदपुर के कोरलैया में ही सीतामढ़ी खनन विभाग के पदाधिकारी सचिन प्रकाश के खासम खास ब्रजेश मिश्रा, जिनका नाम है बड़े लाइनर, उनके लोग आपसे व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं या फिर जो ट्रक वाले हैं, ट्रक ड्राइवर है जिनके पास ओवरलोडेड बालू है, वो ब्रजेश मिश्रा से व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर लेते हैं या फिर उनके आदमी से संपर्क करते हैं और फिर कोरलैया में ही सारा संपर्क स्थापित होता है। प्रति ट्रक ओवरलोडेड 800 रुपए दीजिए और लाखों रुपए के फाइन से बचिए और इस तरीके से आपका ट्रक आसानी से यहां घूमता है। हमारे खुफिया रिपोर्टर ने परसों इन 3-4 तस्वीरों को फिल्माया है टाइम लोकेशन के साथ। आप देखिए कि ये तमाम ट्रक, तमाम ट्रक ओवरलोडेड है और सीतामढ़ी में इन कर चुके हैं। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि कहां है खनन विभाग, क्या कर रहे हैं खनन इंस्पेक्टर, कहां है खनन विभाग के लाइनर और कहां है सचिन प्रकाश खनन विभाग के पदाधिकारी जो अभी वर्तमान में सीतामढ़ी में पद स्थापित है। 2 साल पहले ही सचिन प्रकाश सीतामढ़ी में
नवनियुक्त होकर के खनन विभाग के पदाधिकारी बनकर के आए हैं। इनकी पहली पोस्टिंग सीतामढ़ी में है। भाई साहब का घर समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन के पास है, वही इनका मकान है। इनका एक दूसरा मकान पटना में भी है। सचिन प्रकाश के 2 साल ही हुए हैं सीतामढ़ी में आए हुए, और अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनको और इनके घर के इर्द गिर्द या फिर इनके रिश्तेदारों को छान लिया जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मामला कहां से कहां है। यहां तक के इनका जो लाइनर मशहूर है ब्रजेश मिश्रा, जिसका मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर तमाम ट्रक वालों के पास मौजूद है। मैं आपको इनका मोबाइल नंबर बता सकता हूं कि सचिन प्रकाश के खासम खास राइट हैंड लाइनर ब्रजेश मिश्रा के पास 2 मोबाइल नंबर है जिनसे संपर्क किया जाता है, और वो बताते हैं कि पैसा यहां दो वहां दो ऐसे लेकर जाओ। 83-17-72-57 83-17-72-57 और दूसरा नंबर है 88-11-60-47-85 88-11-60-47-85। अगर इन दो नंबरों का पिछले 1 साल का खाका निकाला जाए, इन दो नंबरों को पिछले 1 साल पीछे से सर्च किया जाए, कितने सारे लोगों ने बात किया, क्या बात हुई, कितने देर बात हुई, या फिर इनकी क्या बात होती है खनन प्राधिकारियों से। मैं ये काम बड़े हिम्मत के साथ कर रहा हूं। हो सकता है कि इस काम के बाद मुझे धमकी मिले जान मारने की, मुझे धमकी मिले पैर तोड़ने की, या फिर देख लेने की, या केस मुकदमे में फंसा देने की। बला से अपने नहीं डरता, लेकिन सरकार को लाखों रुपए का डेली का चूना लग रहा है। मैं इस काम पर कई दिनों से लगा हुआ हूं और कई दिनों से डेटा इकट्ठे कर रहा था। यहां तक के सीतामढ़ी से जब आप शिवर जाते हैं तो शिवर में घुसते ही डुब्बा घाट पुल को आप सुनते हैं। डुब्बा घाट नदी में भी बिना किसी टेंडर के, मैंने जब खनन विभाग के मंत्रालय में बात किया तो खनन विभाग के मंत्रालय से यह बात सुनी कि खनन विभाग ने डुब्बा घाट शिवर का अब तक कोई भी टेंडर नहीं किया, उसका टेंडर अभी प्रोसेस में है। लेकिन खनन विभाग के कान में तेल में डाल रखने से डुब्बा घाट नदी में दिन के उजाले में लगातार जेसीबी पुकलैन से ट्रैक्टर और ट्रकों द्वारा वहां से लोकल बालू निकाला जाता है, और रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक शिवहर डुब्बा घाट से सीतामढ़ी में बालू लाया जाता है। यह भी काम शिवहर के खनन प्राधिकारी और सीतामढ़ी के खनन प्राधिकारी के मिलीभगत से होता है, जबकि इन दोनों खनन प्राधिकारी का इस बीच में लाइनिंग का काम करने वाले भाई साहब शिवहर के ही रहने वाले ब्रजेश मिश्रा है। हालांकि इस संबंध में मैंने परसों शिवर एसपी से बात की, मैंने उन्हें जानकारी दिया, मैंने परसों का तत्काल, देखिए ये वीडियो परसों का है, मैंने परसों भी चलाया था ये वीडियो, परसों का डुब्बा घाट नदी में बालू निकालता हुआ दिन के 11 से 12 बजे के बीच का है। मैंने एसपी साहब को भेजा, कोई सुनवाई नहीं। मैंने शिवर के डीएम साहब को भेजा, कोई सुनवाई नहीं। एसपी साहब को बोला, कोई सुनवाई नहीं। डीएसपी साहब को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस गई डुब्बा घाट में गई और जो पुकलैन चला रहे थे, जो लोग बालू निकाल रहे थे, उनसे मुलाकात की, मुसाफा किया, लिफाफ मिले और वहां से चलते वापस आ गए। सीतामढ़ी के खनन विभाग के पदाधिकारी सचिन प्रकाश के बारे में सैकड़ों आवेदन पिछले 1 साल में खुद सचिन प्रकाश को यहां के इंस्पेक्टर खनन के खिलाफ में और यहां के जिला पदाधिकारी के पास भी सैकड़ों आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन इनके कान पर न जाने क्यों आखिर कौन सी मोह माया है, कौन सी काया है और कौन सा बल है या कौन सा छल है कि इनके ऊपर अब तक न कोई जांच हुआ, न कोई इंक्वायरी हुई, न कोई सेटअप हुआ। देखिए मैं दिखला रहा हूं, ओवरलोडेड ट्रक चल रहे हैं। हालांकि एमबीआई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एमबीआई थोड़ा देखिए अपने गृहबान में, अरे कभी कभी पकड़ लीजिए, कभी कभी 4 लाख 5 लाख 2 लाख का फाइन मार करके सरकार को फायदा पहुंचा दीजिए। सिर्फ आप ही लोगों का पकड़ गर्म होगा तो भी सरकार तो कंगाल हो जाएगी। सरकार ने भी टीचरों को नौकरी दी है भैया, और भी बहुत सारे लोगों का नौकरी परमानेंट होने जा रहा है, तो पैसे आएंगे कहां से। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार नुकसान से बचे, सरकार का नुकसान ना हो, ओवरलोड ट्रकें जो आती हैं बालू बेचती हैं, बालू खरीदने वाले तमाम लोग, आप दुश्मनी मत करना, आपको तो बालू के पैसे आपसे उतने ही लिए जाते हैं जितना वो लेते हैं। ये एक बड़ा रैकेट है, ये एक बड़ा धंधा है, ये एक बड़ी काली साया में काले लोग अपने डीलिंग को करते हैं, अंजाम देते हैं। और हद तो यह है कि सरकारी वर्दी पहनने वाले लोग, सरकार का पैसा लेने वाले लोग,
सफेद कपड़े पहन करके सरकार के नाक के नीचे जिला मुख्यालय में बैठ करके इतना बड़ा गोरख धंधा अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुपड़ी से अलग अलग घाटों में वहां से लोकल बालू काट के बेचे जा रहे हैं बिना किसी टेंडर के, बतनाह के कई सारे अलग अलग घाटों में वहां से लोकल बालू काट कर बेचे जा रहे हैं, और शिवर से तो काट कर बेचे ही जा रहे हैं। मैंने शिवर एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, डीएम साहब को, सबको आगाह कर दिया, आपको भी आगाह कर रहा हूं। मेरे साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो देखा जाएगा, ना डरता हूं ना डराता हूं, जो बात हक है जो बात सच है वो बताता हूं, ना हम स्याही के हैं दोस्त ना सफेदी के हैं दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं सो आईना दिखा देते हैं। अगर इस विभाग खनन विभाग को लगता है कि जांच करा लिया जाए तो जांच करवा लीजिए। मैंने जो ये जो दो नंबर दिए हैं ना 83-17-72-52-77 और एक और 88-11-60-47-85, बतेश मिश्रा साहब का ये नंबर है, शिवर के रहने वाले हैं, इनका नंबर खंगाल लीजिए, देख लीजिए, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी और सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, कैमरे के पीछे विनोद सिंह राजपूत, सरोज दिलसाद और अरशद सलीम काम कर रहे हैं। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की यह खबर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे इस न्यूज को शेयर करिए और हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, शुक्रिया।